ये तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ताओ की जो एंट्री है वो हम सब के लिए गर्व की बात है. पर्टिकुलरली एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया, उनको भी एक इंस्पिरेशन है कि 98 इयर्स में कोई इस तरह से डांस कर सकता है. उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी किस तरह की एनर्जी उनके पास है. एंड इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द योगा, और जो उन्होंने अपना इनर जर्नी साथ में रखी है उसकी वजह से आज हम लोग जो देख रहे हैं. सो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि हम लोग लंदन में, इंग्लैंड में हमने उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है. बट इट इज़ ए मैसेज टू एवरीवन, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर आप अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो लर्न समथिंग फ्रॉम ताओ. मेरा एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा एंड मैं कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि जब ताओ 95 की थी तब मैंने उनके लिए फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, जब वो 97 की थी तब मैंने सेकंड टाइम परफॉर्म किया था, और अब वो दो महीने 99 की होने वाली है और मैं थर्ड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हैट्रिक है. एंड इट इज़ गुड कि जब कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है और आपको पहचान जाए. तो द मोमेंट आई एंटर्ड संदीप सर्स हाउस, उन्होंने मुझे नाम से पहचान के आके हक किया. She meets millions of people throughout the year, हर जगह. At that age, the kind of memory, जिस तरह से वो डांस स्टेप्स को याद रखती हैं, जिस तरह से वो योगा के बारे में बातें करती हैं, जिस तरह से उनकी एक स्पिरिट है जो कभी ना थकने वाली स्पिरिट है और हमेशा अलाइव रहती हैं, तो उनसे सिर्फ 5 मिनट का भी इंटरेक्शन हो, इट हैज़ जस्ट फिल्ड मी अप फॉर द नेक्स्ट सो मेनी इयर्स. जहाँ डांस की बात होती है एक्साइटमेंट नेचुरली आ जाता है. सो जैसे अमित ने कहा, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस अमित के साथ था संदीप के लिए, एंड आज हमारा एक्चुअली थर्ड है, बट हम 2 साल से अलग अलग लोगों के साथ डांस कर रहे हैं. एंड जैसे सर ने कहा 98, अभी 99 होने वाले हैं, योगा से ही होगा. सो गाइस गेट टू योगा, बिकॉज यू नो हम कभी लेजी फील करते हैं कि यार कल कर लेंगे, सो आई थिंक कल नहीं करते हैं, एक इनको देखकर एक सीखो कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है, हेल्दी पहुँचना है और इतने अच्छे से पहुँचना है, सो यू नो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा. और खुश मिजाज जो हैं वो इतने अडोरेबल हैं, आप 2 मिनट बात करो आपको उनसे प्यार हो जाएगा, वो इतनी क्यूट हैं. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उनका रिकॉर्ड में नाम आया है. एंड सर थैंक यू वेरी मच, आप यूके से स्पेशली यहाँ आए हैं उनको अवार्ड देने के लिए. एंड बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ वो खुद तो इतना प्यारा डांस करती है, वो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने से थकती नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है जब उनसे बोलते हैं यू डांस सो गुड, तो बहुत अच्छा लगता है. सो यस, हम चाहते हैं हम उनको एंटरटेन करें और हमारी तरफ से भी हम स्माइल उनके फेस पे लाएँ. सो एंजॉय गाइज. सबसे पहले तो मैं संदीप सोपरकर जी को बधाई देना चाहूँगा कि आदरणीय ताऊ जी को यह पुरस्कार देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मानित हुआ है. उनका सम्मान नहीं है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान है. और इस अवसर पर लंदन से डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी, जो इस यहाँ मुंबई में पधारे हैं, और हमारे साथ आशिमा शर्मा हैं, दिव्या शुक्ल हैं, और हम सब मिलकर आज ताऊ जी को जो सम्मान हमने दिया है उससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. बिल्कुल, हमारे यहाँ तक इंडिया में भी काफ़ी कारनामे कर चुके देखा जाए. हॉलीवुड के अंदर भी हमारे जी, हॉलीवुड में भी हमारे पास में कनाडा के अंदर वैंकूवर से, ब्रिटिश कोलंबिया से, ओटावा से, टोरंटो से काफ़ी लोग संपर्क में हैं और हम उनकी लिस्टिंग कर रही हैं. और US के अंदर भी हम लोग कई अभी हमने किया है, फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों को संपर्क किया है, कैलिफोर्निया में किया है, लॉस एंजलिस में किया है, लॉस वेगस में किया है, सेंट होजे में किया है. धीरे धीरे ये सब चल रहा है, मुंबई की तरफ हमारा रुख हो गया है, और धीरे धीरे मुंबई के अंदर काफ़ी बेहतर कलाकार जो आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उनको चुनेंगे और उनको आगे लाएंगे और फिर उनका मुकाम दुनिया भर को बताएंगे. बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं, हम उन लोगों को चुनना चाहते हैं जो बेहतर कलाकार थे, बेहतर कलाकार हैं, पर आज बॉलीवुड में उनकी स्थिति कहीं ना कहीं हम नहीं देख पा रहे हैं. उनकी कला की कद्र करते हुए इनके नाम की लिस्टिंग हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में करेंगे, जैसे अभी हम धर्मेंद्र जी को करने वाले हैं, जितेंद्र जी को करने वाले हैं, प्रेम चोपड़ा जी को करने वाले हैं, ये सब लीजेंड कलाकार हैं.